बैक टू माई चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी एक पर्स बनाने के लिए, बेबी पर्स बनाने के लिए। सो मैंने इस पर्स को बनाया है, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न और बहुत प्यारा सा बन के रेडी भी हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये लुक दे रहा है। सो यहाँ पे मैंने इसके दो ईयर बनाए हुए हैं जिसमें दो बो लगाई हुई है। 20 से मैंने इससे स्टार्ट किया है, पूरा राउंड शेप में बनाया है और इस तरह की एक इसमें डोरी लगाई है। बैक साइड से दिखाऊं तो सेम ही पैटर्न बैक साइड से भी बना हुआ है। यहाँ पे एक मैंने बटन लगाई है इसे ओपन करने के लिए, और स्पेस आप इसमें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत और उनको पसंद आने वाला पैटर्न है। सो अगर आपकी बेबी गर्ल है तो आप उसे इस तरीके का एक पैटर्न बना के गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेबी गर्ल्स को पर्स वैसे ही पसंद आते हैं और हैंडमेड पर्स हो तो क्या ही कहने। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बची कुची ऊन से आप इसे बना सकते हैं, अगर आपके पास लेफ्ट ओवर ऊन है तो आप इसे बना सकते हैं। मैंने इसमें तीन कलर को यूज़ किया है, जिसमें बीच में मैंने रानी कलर को लगाया है, फिर मैंने लेमन येलो और वाइट कलर से इसे बना के रेडी किया है। बनाया है मैंने इसे 3.5 mm मीन्स 8 नंबर की क्रोशिया हुक से। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं इस खूबसूरत से पर्स को बनाना। बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मैजिक लूप बना लेनी है, और इस मैजिक लूप से क्रोशिया हुक को निकालना है। और अब बना लेंगे यहाँ पे तीन चेन, 1, 2, 3। सेम इसी वाले होल से डालना है, इसी लूप से, और यहाँ पे बना लेनी है 7 और डबल क्रोशिया। 3 चेन पहले डबल क्रोशिया होगी और उसके बाद 7 और बनेंगी, तो टोटल 8 डबल क्रोशिया बन के रेडी होंगी। सेम इसी से डालना है और 7 और डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चेन 7 डबल क्रोशिया, टोटल 8 हो जाएंगी। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो चुकी है, और लूप को हमें टाइटली खींच देना है। और जो 3 चेन बनाई है उसमें 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर लेंगे। ये 3rd नंबर चेन है, इसी चेन में डालना है और यहाँ पे अपने वर्क को ऐड कर लेना है। एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर लेंगे। ये हमारा सेंटर का जो पार्ट है वो मैंने इस कलर से बना के रेडी किया है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे नीचे की तरफ खींच लेना है, और सेम इसी स्पेस से जहां पे ऐड किया है इसी जगह पे दूसरा धागा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लेमन कलर का थ्रेड ऐड किया है, सेम इसी पार्ट से डालना है जहाँ पे ऐड किया है 3rd नंबर वाली चेन में। 1, 2, 3, 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे पफ बना के रेडी करना है, सॉरी पॉपकॉर्न बनाना है। तो 3 चेन बनाने के बाद सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे और 4 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 5 डबल क्रोशिया का पॉपकॉर्न बना के रेडी करना है इसमें। 1, 2, 3 और 4, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया, टोटल 5 हो गई है। इधर से 3rd नंबर वाली चेन में क्रोशिया हुक को डालना है, और ये जो लूप है इस लूप को हमें इसी 3rd चेन से निकाल लेना है। तो इस तरह से पॉपकॉर्न बन के रेडी होता है। 2 चेन बनाएंगे, और 2 चेन बना के जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में डालेंगे और सेम पॉपकॉर्न को नेक्स्ट डबल क्रोशिया में बनाएंगे। तो टोटल 8 पॉपकॉर्न आपके यहाँ पे बन के रेडी होंगे, क्योंकि हमने नीचे 8 डबल क्रोशिया बनाई है। फिर से सेकंड वाली जो डबल क्रोशिया है उसे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 5 5 डबल क्रोशिया हो गई। लूप को छोड़ देंगे और यहाँ से जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया हुक को डालना है, और इसी लूप को हमें यहाँ से निकाल लेना है इस तरह से। फिर से 2 चेन, 1 और 2, 2 चेन बना के 3rd डबल क्रोशिया से डालेंगे।
और सेम पॉपकॉर्न को यहाँ बनाएंगी। तो इसी तरह से बनाते जाना है और टोटल 8 पॉपकॉर्न बना के रेडी करने हैं, जितनी 8 डबल क्रोशिया नीचे बनी हुई हैं। अब बीच में तो उन 8ों में एक एक पॉपकॉर्न बनाएंगे और हर पॉपकॉर्न के बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहली वाली डबल क्रोशिया से लूप को निकाल लेंगे और बीच में 2 चेन। सेम प्रोसेस को रिपीट करके 8 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार बना के रेडी कर लिया। 2 चेन बनाएंगे और पहला वाला जो पॉपकॉर्न है उसके बीच से डाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। ओके, तो बीच का सेक्शन बन के रेडी हुआ। 2 चेन का स्पेस है तो इस 2 चेन के स्पेस में आएंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। सेम ही हमें फिर से पॉपकॉर्न बनाना है, 3 चेन बनाएंगे, इसी 2 चेन के स्पेस में डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4, लूप को लंबा खींचेंगे और थर्ड नंबर वाली चेन से इस लूप को हमें निकाल लेना है। एक पॉपकॉर्न हो गया, बीच में 1 चेन का स्पेस देंगे। सेम इसी जगह से जहां से पहला वाला बनाया है इसी सेम स्पेस से डालना है और फिर से एक पॉपकॉर्न बना लेना है। तो इस बार जितनी भी 2 चेन की स्पेस बनी हुई हैं उन सब में आपको 2-2 पॉपकॉर्न बना के रेडी करना है और सबके बीच में आपको 1 चेन का स्पेस देना है। 5 डबल क्रोशिया फर्स्ट नंबर वाली चेन से डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे। तो एक स्पेस पे हमने 2 पॉपकॉर्न बना के रेडी कर लिए हैं। अब दूसरे 2 चेन के स्पेस में आएंगे और 2 पॉपकॉर्न यहाँ बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते जाना है और इस राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। हर स्पेस से आपको 2 पॉपकॉर्न बना के रेडी करने हैं और सबके बीच में 1 चेन का स्पेस देना है। इस तरह से यहाँ बना लिया, तीसरा हो गया। फिर से 1 चेन बनाएंगे और इसी सेम स्पेस से फिर से एक और बनाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करके राउंड अपने वर्क को ऐड करेंगे। 1 चेन बनाएंगे और अगेन धागे को यहीं से कट कर लेंगे। सेम इसी प्लेस पे फिर से जो 1 चेन का स्पेस है यहीं पे दूसरे धागे को ऐड करेंगे। तो इस बार मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का थ्रेड ऐड किया है। सो आप कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसी कलर को ऐड करें, जैसा भी आपको बना के रेडी करना हो। सेम पॉपकॉर्न हमें यहाँ भी बनाना है। तो पहले में हमें ये जो फर्स्ट स्पेस है यहाँ पे एक पॉपकॉर्न बना के रेडी करेंगे। बनाना सेम वैसे ही है जैसे अभी तक बना रहे हैं। 5 डबल क्रोशिया बनानी है, थर्ड नंबर वाली चेन से निकालेंगे और एक चेन। तो फर्स्ट में हमने एक बनाया है, अब आ जाएंगे दूसरी एक चेन के स्पेस में। यहाँ पे भी 2 पॉपकॉर्न के बीच में आपको यहाँ पे एक चेन का स्पेस दिया है, तो इस एक चेन के स्पेस पे आएंगे और इसमें बना लेंगे 2 पॉपकॉर्न। 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया सेम स्पेस से डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, बीच में एक चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे, एक पॉपकॉर्न और बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया फर्स्ट नंबर से डालेंगे और एक पॉपकॉर्न, फिर से एक चेन और इसके बाद वाली में एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो एक बार एक बनाना है, एक बार 2 बनाना है और इसी तरह से पूरे राउंड को ओवर करना है। हर पॉपकॉर्न के बाद आपको एक चेन का स्पेस देना है। 4 5, फिर से फर्स्ट वाली से निकाल लेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक बार एक बनाया, फिर 2 बनाया, फिर एक बनाया, अब इस वाले में इसके बाद वाली में 2 बनाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे राउंड को ओवर। इस तरह से बीच का पूरा पार्ट बन के रेडी हो चुका है, कुछ इस तरह का ये पार्ट बन के रेडी हुआ है। अब वर्क को ऐड कर लेंगे, धागे को कट कर लेंगे और जो एक चेन का स्पेस है उसी स्पेस में आपको फिर से येलो थ्रेड, जो बीच वाला थ्रेड यूज़ किया है उसे यूज़ करना है। एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के सेम इसी प्लेस पे हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और 3।
नेक्स्ट एक चेन के स्पेस में आएंगी और तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगी, एक दो तीन, फिर से नेक्स्ट वाले एक चेन के स्पेस में आएंगे और तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से जितने भी एक चेन का स्पेस है उन सब में आपको एक तीन तीन सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। इस तरह से सब में तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एंड पर आएंगे। तो इस तरह से पूरे में तीन तीन सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लिए। और अब फर्स्ट नंबर वाली में स्लिप स्टिच से वर्क को ऐड करेंगे। नेक्स्ट वाली जो सिंगल क्रोशिया है इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसके बाद वाली जो है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाली में एक हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के बाद अब बना लेनी है हमें 12 डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अगेन 12 डबल क्रोशिया के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच। फिर से एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। एक चेन जो एक स्किप कर देंगे, जो पहली हमारी स्लिप स्टिच है उसे स्किप करेंगे और उसके बाद वाली में एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया, तो दो सिंगल क्रोशिया हो गई। उसके बाद दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद दो डबल क्रोशिया एक और दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ चेन बनानी है। और नौ चेन के बाद एक ये जो चेन है फर्स्ट नंबर की उसे स्किप करेंगे और उसके बाद वाली से आठ में हमें स्लिप स्टिच बनानी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। ओके, अगेन जहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई है इसी में फिर से डालेंगे और एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन और चार, अगेन नौ चेन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ चेन बना के पहली स्किप करेंगे और दूसरी वाली से फिर से आठ स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये हो गई आठ। सेम इसी प्लेस से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद वाली में भी एक हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद दो सिंगल क्रोशिया और लास्ट में एक स्लिप स्टिच। ओके, ये इस तरह से बन के रेडी हुआ। अगेन एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लिया, अगेन जो लास्ट वाली है उसे स्किप करेंगे और उसके बाद से छः में हमें स्लिप स्टिच बनानी है, एक दो
चार, पाँच और ये हो गई छः, छः में स्लिप स्टिच हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा जो बनी हुई है, तो फर्स्ट वाली ये जो हमने आठ बनाई है इसमें फर्स्ट में डालेंगे और इसमें बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड वन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ बनाएंगे दो में हमें बना लेनी है हाफ डबल क्रोशिया। एक एक हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद वाली में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशिया और दो हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद तीन बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक दो और तीन। फिर से देखिएगा दो सिंगल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और अब ये जो सबसे ऊपर टॉप पे आ जाएंगे, यहाँ पे टॉप वाली पे हमें बना लेनी है आठ डबल क्रोशिया। थोड़ा सा इसे पकड़ के बनाने में प्रॉब्लम होती है, हाथ से छूट जाता है बार बार। एक बिल्कुल टॉप वाली जो चेन है उसमें हमें आठ बना लेनी है, दो तीन चार पांच छः सात आठ। ओके, उसके बाद अगेन जैसे इस साइड भी हमें बना लेना है जैसे इधर बनाया है, तो पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, एक और दो, दो बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक और दो और उसके बाद लास्ट में बना लेंगे स्लिप स्टिच, बीच की जितनी है सब में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच। और अगेन इधर वाला जो ईयर बना हुआ है तो सेम जैसे इसमें बनाया है वैसे ही इसमें भी बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, ऊपर वाली में आठ डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये इस तरह से दोनों बन के रेडी हो गया है। और अब ये वाली जितनी भी सिंगल क्रोशिया हैं इन सब में आपको एक एक स्लिप स्टिच बना के रेडी कर लेना है, सब में इसमें डालेंगे और सब में एक एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ओके, तो इस तरह से सब में एक एक स्लिप स्टिच बना के एंड पर आएंगे, सॉरी स्लिप स्टिच नहीं सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। नीचे वाली जितनी भी आपकी सिंगल क्रोशिया है इन सब के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है।
टोटल 53 होंगी इसमें, तो इसमें सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इधर बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। इस तरह से बन के रेडी हो चुका है और अब पूरे में मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया भी बना ली है। सेम जैसे ये हमने इसका बीच का पार्ट बनाया है यहाँ तक, सेम वैसे ही हमें एक और बना के रेडी करना है। ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट वाली जो आपकी जिसमें 12 डबल क्रोशिया बनी है, ये एज इट इज सेम ही बनेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एक स्लिप स्टिच के बाद दो सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे देखिएगा, एक दो सिंगल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से पहली स्टार्टिंग में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी वाली में दो बनाएंगे, बीच में 1 2 3 4 बनाएंगे, फिर उसके बाद दो बनाएंगे और उसके बाद फिर से एक बनाएंगे, और इधर दो हाफ डबल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया। तो जैसे इसमें बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया वाला पोर्शन। सिर्फ आपको ये 9 चेन वाला पार्ट अब इसमें नहीं बनाना है जो आपने पीछे वाले साइड में बनाया है। तो दो पार्ट बन के रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें आपस में हमें जोड़ना है। तो इसे मैं इस तरह से आपस में रखूंगी और जहां से ये वाला पार्ट है, देखिएगा ये सिंगल क्रोशिया वाले पार्ट हैं, तो इन्हें मैं आपस में जोड़ते जाना है। अगर आप चाहें तो सुई से जोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो सेम इसी से आप जोड़ सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, जो आपको आराम जिसमें लगे उसी से जोड़िए। तो ये ऊपर वाला पार्ट जोड़ देंगे और जहां से सिंगल क्रोशिया स्टार्ट है वहां से ही हमें डालना है। तो ये देखिएगा हमारा सिंगल वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, तो यहां से मैं इसका लूप निकाल लूंगी। ओके, एक चेन बनाएंगे और एक एक करते हुए सब में हमें ऐसे जोड़ते जाना है स्लिप स्टिच। सेकंड वाले में डालेंगे, इधर से नेक्स्ट वाले में डालेंगे, दोनों से एक एक में डालेंगे और एक स्लिप स्टिच, इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे, फिर इधर से नेक्स्ट वाले में डालेंगे और एक स्लिप स्टिच। तो ये इस तरह से आपका पार्ट जुड़ता जाएगा। तो ऊपर वाला नहीं जोड़ना है, नीचे की जितनी भी सिंगल क्रोशिया बनी हुई है उसको हमें इसी तरह से जोड़ के रेडी करना है। देखिए ये इस तरह से मैंने इसे पूरा जोड़ लिया है और ऊपर वाला हिस्सा खाली है, तो ये एज अ पर्स यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब एक दूसरा कलर लेंगे, इसकी बो बनाएंगे, इस जगह पे के लिए एक मैजिक लूप बनाएंगे। दो चेन, एक और दो, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और सेम इसी पॉइंट पे फिर से इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। फिर से दो चेन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, एक और दो, दो चेन और यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। टाइट से इसे खींच लेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसमें अब इन दोनों को इस तरह से बीच से बांध देंगे। ओके, तो ये हमारा बोट बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे हल्का सा इसे घुमाएंगे और घुमा के यहाँ पे गांठ बांध देनी है इसमें। तो ये एक बो बन के रेडी हो चुकी है और अब इसे यहाँ पे हमें लगा देना है। ये देखिए यहाँ मैंने इसमें दोनों में बो लगा ली है और बहुत इसे सिल लिया है और यहाँ पे मैंने बटन लगाई है। बटन मैंने इस साइड पे लगाई है अंदर के साइड से, जिससे कि ये इधर बंद हो जाए आपके पीछे वाले साइड पे। तो आप चाहे तो इधर से भी इसे यूज कर सकते हैं, चाहे तो इधर से भी यूज कर सकते हैं। साथ में मैंने इसमें एक डोरी लगा ली है, सो आपके बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा एक पर्स बन के रेडी हो चुका है।
अब इसमें छोटा मोटा बहुत सा क्लिप्स वगैरह आ जाती हैं, सेफ्टी पिन्स आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, कहीं से इसमें खुलने का भी डर नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट और बहुत प्यारा सा पीस बन के रेडी हुआ है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी कुछ नए आइडियाज, कुछ नई डिजाइन के साथ आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। साथ ही आप और क्या देखना चाहते हैं, मैं इसके बाद और किस चीज का वीडियो अपलोड करूं, उसका कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कुछ ऐसा अलग सा बनाने की। आई होप आपको ये पसंद आएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।